हफ्ता आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से, मैं आपके साथ सिमरन। चलिए जान लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों चीन में कोरोना के डेल्टा प्लस से हुई मौत के बाद अब अशोकनगर में एक व्यक्ति के इसी वेरिएंट से मौत की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति की मौत डेल्टा प्लस वेरिएंट से हुई है, वो लंबे समय से भोपाल में निवास कर रहा था। वहीं भोपाल में ही संक्रमित होने के बाद उसकी मौत हुई। मामले में अशोकनगर कलेक्टर अभय वर्मा का कहना है कि संक्रमण से जिस मरीज की मृत्यु हुई है, वो अशोकनगर का रहने वाला है। उसके आधार और दस्तावेज से इस बात की पुष्टि हुई है। एक तरफ मानसून की बेरुखी ने ग्वालियर समेत कई जिलों को गर्मा दिया है, वहीं दूसरी तरफ भोपाल समेत 3 दर्जन से ज्यादा जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बुधवार को भोपाल, इंदौर समेत मालवा, निमाड़ में जमकर बारिश हुई। नदी नाले उफान पर आ गए, सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन गई। इतना ही नहीं, खरगोन में तो एक बस खरगोन बिस्टान मार्ग पर पिपरखेड़ा के पास पुलिया में फंस गई। मौसम विभाग ने आज गुरुवार को सभी संभागों में बारिश और करीब 1 दर्जन जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। कोरोना संकट के चलते राज्य सरकारों द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। वहीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम अब तक घोषित नहीं किए गए, जिसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकार को आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश मुताबिक सभी राज्य शिक्षा बोर्ड को 31 जुलाई से पहले 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिन राज्य ने अपनी अभी तक आंतरिक मूल्यांकन की कोई योजना तैयार नहीं की है, उनके पास 10 दिन का समय है। 10 दिन के अंदर वो 12वीं की परीक्षा परिणाम को लेकर फॉर्मूला तैयार कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट समय से घोषित करें। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय को केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दिए जाने की मांग की है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की मांग करने वाले राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब जीवाजी विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने का अनुरोध किया है। इसके लिए सिंधिया ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखा है। मध्य प्रदेश में 21 जून से लेकर अब तक रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड वैक्सीनेशन कायम करने के बाद अपने देश में स्कूल कॉलेज को खोलने पर सहमति बनती नजर आ रही है। दरअसल बीते दिन हुई बैठक में मध्य प्रदेश में कॉलेज एमपी कॉलेज को खोलने पर सहमति के संकेत मिले हैं। माना जा रहा है कि अगस्त महीने से मध्य प्रदेश में कॉलेजों को खोला जा सकता है। वहीं स्कूल कॉलेजों में एंट्री के लिए शिक्षक सहित विद्यार्थियों को टीके का एक डोज लगवाना अनिवार्य होगा। दरअसल बीते दिन हुए मंत्री समूह की बैठक में कॉलेज स्कूल को खोलने को लेकर सहमति बन गई है। हालांकि इस मामले में अंतिम निर्णय सीएम शिवराज का होगा। मंत्रियों की माने तो कॉलेज खोलने को लेकर बीते दिनों बैठक में प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इस मामले में उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री मोहन यादव का कहना है कि प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ गई है। वहीं वैक्सीन के पहले 2 डोज लग चुके हैं। इसके साथ ही दूसरी लहर भी अपने काबू में है, जिसको देखते हुए कॉलेज खोले जा सकते हैं। मंत्री द्वारा अगस्त में कॉलेज खोले जाने पर सहमति दी गई है। तो ये थी इस वक्त की अपडेट। ऐसी हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एमपी को। जय हिंद, जय भारत।